अगर हम लोग निकले हैं एक अजनबी शादी में, जो भी शादी सबसे पहले दिखेगी उसको अटेंड करेंगे। वैसे दावत तो नहीं है, फिर भी देखते हैं जो शादी होती है उसमें अटेंड करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चैलेंज ये होगा कि हम लोग खाना खा पाते हैं या नहीं। मेरे साथ एक लड़का और है, आप उनको शायद पहचानते होंगे। तो ये देखिए वो है, हेलो, छोटू है। तो चलते हैं एक अजनबी शादी में और कोशिश करते हैं खाना खाने की। आप वीडियो में बने रहो, आगे का वीडियो बनाते रहते हैं। कोशिश करते हैं घुसने की, चैलेंज यही होगा कि खाना खा पाते हैं या नहीं खा पाते। और मज़ा बहुत आएगा, आप वीडियो में बने रहो। ये अजनबी शादी में अब देखते हैं, चैलेंज यही होगा कि हम लोग शादी में खाना खा पाते हैं या नहीं। तो चलिए ढूंढते हैं कहीं गेस्ट हाउस और उस पर घुसने की कोशिश करते हैं। गेट एकदम अच्छा बनाया गया है, देख के लग ही नहीं रहा है कि ये टेंट है। बाकी चलते हैं अंदर, इसके साथ ही मैं आया हूँ तो इसलिए ये मुझे पहचानता है, बाकी कोई नहीं पहचानता। तो अब चल रहे हैं अंदर और सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है एंट्रेंस पे। तो ये रही गणेश की मूर्ति, गणेश जी की, और ये सेल्फी पॉइंट बन गया है। सभी लोग लगभग यहाँ पे सेल्फियाँ खिंचा रहे हैं। अंकल जी लोग भी लग गए हैं। फिलहाल अपने लोग को यहाँ से दूर जाना है क्योंकि कोई पहचान का ना मिल जाए। तो चलते हैं भाई, बहुत बड़ा इंस्टॉल लगा हुआ है। अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है तो एकदम सन्नाटा ही है। फिर देखते हैं क्या क्या है भाई, अभी तो शुरू हुआ है एकदम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टिकिया इंस्टॉल है, चाउमीन, मंचूरियन, ऐसे ही बहुत सारे नाश्ते। भाई कितना करूँगा, वो भी फ्री में। भाई बुलाया होता तब भी सही रहता, डर तो इसी चीज़ का है कि कोई पहचान ना ले। और यहाँ पर खाने का है तो बहुत बड़ा इंस्टॉल है भाई, कोई बड़े की शादी होगी। और स्टेज आप देखोगे यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पास से दिखा देना स्टेज, देखो भाई यार एकदम फूलों से सजाया हुआ है। अभी मैं चलता हूँ पास, तो पास से भी दिखाता हूँ। बहुत बड़े ग्राउंड है भाई, तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो तो शायद खाना तैयार हो जाए और बटने लगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सैलेड वाले पोर्शन पे, जहाँ पर प्लेटें सजी हुई हैं भाई। और ये डक और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, वैसे ये सब सब्जियों का ही होगा। ये है अपनी लौकी और कुछ और भी बनाया है। और ये रही डक, और ये रहा अपना, कौन है भाई? अच्छा, जिन्होंने बनाया उनकी फ़ोटो बनी हुई शायद। मुझे उनका भाई, इसका मुंह देखो एकदम लाशों से ओरिजिनल लग रहा है। टमाटो सूप पी रहा हूँ और मेरे साथ जो है वो उसने पिज़्ज़ा दूर के निकाला है, तो पिज़्ज़ा ला रहा है, तो पिज़्ज़ा भी खाते हैं। तो ये आ गया अपना पिज़्ज़ा, इसको भी निपटाते हैं और उसके बाद कुछ और खाते हैं। खाना खाने के चक्कर में मैंने अपनी जीभ जला ली और मैं पी रहा था टमाटो सूप और बहुत गर्म था भाई। पिज़्ज़ा तो खा लिया, वो ठंडा था, मतलब ठंडा नहीं, मतलब नॉर्मल था, लेकिन टमाटो सूप बहुत गर्म था, इसीलिए आप कभी फ्री का खाना मत खाना। ये रहा मेरा टमाटो सूप जो कि मेरी जीभ को जला चुका है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। फुल्की वाले भैया, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी, तो जब टाइम मिलेगा तो खाएंगे वरना कुछ और ही खा लेंगे। फाइनली मैंने ले लिया मंचूरियन भी। यार भाई ये भी गजब की दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में भी खाना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी बहुत कम भीड़ है गेस्ट हाउस में।
तो इस वजह से कुछ चीज़ें उन लोगों ने रोकी हुई हैं, लेकिन फिर भी फुल की टिकिया शुरू हो गई है तो भीड़ बढ़ रही धीमे धीमे। और मैंने अपने पसंद का ले लिया फ्राइड राइस और मंचूरियन, खाते हैं फिर उसके बाद कुछ और। खा लिया है और अभी बहुत खाना बाकी है, कुछ खा लिया है जो बहुत तीखा लग रहा है मुझे, और खाना भी बहुत तेज हो गया है और भीड़ भी ज़्यादा हो गई है। चलिए चलते हैं आगे। शादी में देखा मैंने, भाई ने पहले ही प्री वेडिंग शूट भी करवाया हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या दिखता है। वैसे कैमरे में तो साफ आ नहीं रहा है, ब्लिंक कर रहा है, फिर भी कुछ तो दिख जाएगा आपको। भाई ये स्ट्रॉ ही है, मैंने गलत सोच लिया था, स्ट्रॉ था भाई के पास। पार्टी हो गई भाई, अब किसी ने पकड़ा भी नहीं, आराम से खा के चले आए और मस्त था। आपको वीडियो में सब दिखा होगा भाई, एक नंबर की पार्टी थी। और अब चलते हैं घर, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, बाय बाय।